आप डांस शुरू करते हैं और 50 बंदा लेफ्ट राइट आ जाता है इन कॉस्ट्यूम, दे नो ऑल द स्टेप्स और वो आपके साथ सिंक्रोनाइज डांस शुरू करते हैं। सिग्नल पे सारे लोग गाड़ियों से बाहर जो ना आकर आते हैं और वो आपके लिए चीयर करना शुरू कर देते हैं, कंफेटी गिरना शुरू करती है, फायरवर्क्स आसमान में उड़ होते हैं और एक बाबा जी भी गाड़ी से निकलते हैं, वो भी कहते हैं वाह वाह वाह। जैसे सारे आपकी स्टोरी को फॉलो कर रहे हैं, सबको पता है बचपन से लेकर अब तक आपके साथ क्या हुआ है। एवरीबॉडी बाबा जी के आंखों में आंसू आ रहे हैं। प्लीज बी वॉचिंग दिस स्टोरी थ्रू सम सीक्रेट स्पाई कैमरा। आप स्टॉप कर रहे थे कि कब जा रहे थे, यू वर वेटिंग फॉर दिस मोमेंट कि आप स्टॉप पे आए। And so you're like, wow, that's a beautiful end. Happily ever after. Aur phir bada sa the end likha hua tha. Is that life? Agar aisa hai to ghar ja kya karte hain? Mujhe puchega ki wo aapne kaha mummy ke saath long jump ka mazaa lete hain. Personally, I love this life. But the thing is it true? Happily ever after hota hai? Ho sakta hai. Eventually, ho jata hai. Because every movie you see, you then end it happily ever after the end. Story mein bhi, kai ka story mein kya hota hai? Wo shaadi hoti hai, happily ever after the end. शादी के बाद हैप्पीली एवर आफ्टर होता है? इन सारी स्टोरीज जो ग्रेटेस्ट सेलिब्रेटेड लव स्टोरीज हैं, इनमें कुछ चीज कॉमन है, वो क्या है? लव बिफोर मैरिज एक है, दूसरा नाकामी। कोई ना कोई मर गया, शादी से पहले किसी का इंतकाल हो गया। ये मैं समझता हूँ प्रोसेस भैया, ये किस किस्म की मेड इन चाइना दो नंबर लव स्टोरी है कि अभी शादी हुई नहीं और पहले ही बंदा फोत हो गया, दूर दूसरा आई लव यू बेबी, आई लव यू टू क्रॉस, फोत हो गया। एंड दैट्स इट, दैट्स द एंड ऑफ द स्टोरी। डजंट मेक सेंस। हाउ इज दिस अ ग्रेटेस्ट लव स्टोरी व्हेन अभी तो पता ही नहीं चला, अभी तो गेम शुरू नहीं हुई तो पहले आपने कह दी ग्रेटेस्ट लव स्टोरी। इसके लिए हम मार्क ट्वेन साहब की तरफ जाते हैं। मार्क ट्वेन कहते हैं, लव सीम्स टू बी द स्विफ्टेस्ट बट इट इज द स्लोएस्ट ऑफ ऑल ग्रोथ। He says, no man or woman knows what perfect love is until they have been married for a quarter of a century. Mark Twain hai to farangi baat se keh gaya. Kehte hai ki pyar jo hai wo lagta hai aise ki bahut jaldi ho jata hai. Pyar jo hai wo lagta hai aise ki bahut jaldi ho jata hai, lekin ye sabse der se hone wali cheez hai, mujhe ek cheez hai. It is the slowest of all growth. And he says, ye maine nahi kaha, ye kisi mulla ne nahi kaha, ये किसी आदमी ने नहीं कहा। वो कहते हैं कि नो मैन और वुमन नोज व्हाट परफेक्ट लव इज अंटिल दे हैव बीन मैरिड फॉर 25 इयर्स। एक मर्द और औरत को सच्चा प्यार हो ही नहीं सकता जब तक 25 साल उनकी शादी नहीं हो चुकी। तो माय डियर ब्रदर्स सिस्टर्स, आज घर जाके अबू से पूछ रहे हैं कि अबू आप मुझे बताएं, आप और मम्मी पिछले 20-25-30 साल से एक साथ हैं, मुझे बताएं कि ये प्यार क्या होता है अबू? मुझे खुद को प्यार का मसला, मैं ये पूछ रहा हूँ कि आप बताएं कि मैं सीखना चाहता हूँ आपसे कि कैसे आपने आपस में मेंटेन किया। बिकॉज यू सी, एक होता है जो हमारे यहाँ पे बबल गम प्यार होता है ना, जिसको मैं कैंडी क्रश कहता हूँ, वो क्यों होता है? यानी बबल गम प्यार, आई लव यू, आई लव यू, या बेबी आई एम रियली क्रेजी अबाउट यू, नो यू हैंग अप द फोन, नो नो यू हैंग अप द फोन। अच्छा बेबी वो समय मैंने ना जॉन का पैकेज लिया, आपको मैंने फिल्म की कहानी मिला, सो स्वीट जब मैंने ऐसे मैंने पैकेज दिया है, वो रात 12 से सुबह 8 बजे 5 बजे कॉल पड़ती है ना, तो मैंने कहा ऑनलाइन लॉन्ग टर्म बात करेंगे। इसके ये प्यार जितनी जल्दी होता है उतनी जल्दी हमारे जो ना प्रॉब्लम्स भी आते हैं। दैट्स व्हाई आवर रिलेशनशिप ऑन फेसबुक गोज फ्रॉम ओ इन अ रिलेशनशिप ओ इट्स कॉम्प्लिकेटेड, 3 महीने बाद इट्स कॉम्प्लिकेटेड, 3 महीने बाद छुट्टी, आई हेट यू गेट आउट ऑफ माय लाइफ, सिंगल लड़ी के मिंगल, दिस इज हाउ इट इज। आप अपनी अम्मी से पूछे कि कैसे हमने 25-30 साल रिलेशनशिप में गुजारे, क्या वाज इट स्मूथ से, मतलब स्मूथ सेलिंग, यानी शी विल से नो, डिड यू हैव फाइट, शी विल से यस, आर्गुमेंट भी हुए, बहुत से ऐसे पॉइंट्स थे आपके फादर जी ने मुझे पसंद नहीं थे, मेरी बहुत सारी बातें उनको पसंद नहीं थी, बट बेटा वी लव ईच अदर इनफ टू स्टे इन द मैरिज, वी लव ईच अदर इनफ टू स्टे इन द मैरिज। ये नहीं कि एक मसले पे आई हेट यू एंड एंड ऑफ स्टोरी, नो, वी स्टे टुगेदर फॉर 25 इयर्स। एंड दिस इज व्हाट मार्क ट्वेन इज सेइंग, कि असल प्यार का जो टेस्ट होता है ना, वो ये नहीं होता कि आपने दूर से किसी से मोहब्बत कर ली और बस, असल तो गेम शुरू होती है शादी के बाद, असल तो बंदे का पता चलता है शादी के बाद।
एंड लेट मी रीइटरेट दिस पॉइंट लाइक दिस. देखिए हम लोग इस वक्त जो सारे बैठे हुए सामने, आप लोग इस वक्त भी यू आर ऑन योर बेस्ट बिहेवियर राइट नाउ. आप घर में ऐसे होते हैं, घर में तो टिंकू कितने मर गए तू, किसी को मार पड़ी होती, किसको छोड़ा था. अभी आप लोग सारे अपने बेस्ट बिहेवियर पे, एंड दैट्स हाउ वी आर साइकोलॉजिकली स्पीकिंग. हम लोग अपना बेस्ट बिहेवियर शो करते हैं. जब हम स्कूल में होते हैं, कैंपस पे होते हैं, तो हम लोग जी जी करके बात करते हैं, जी थैंक यू वेरी मच वगैरह वगैरह, बड़ा अपने आप को एक तरीके से प्रेजेंट करते हैं. घर में ऐसा नहीं होता. नो द थिंग इज के जो रिलेशनशिप एस्टैब्लिश होते हैं उसमें भी हम अपने आप को ना एक सर्टेन लिमिट्स पे रखते हैं, अपना बेस्ट इमेज प्रोजेक्ट करते रहते हैं. और फिर शादी के बाद वो बेगम जो है वो कॉल करती है अपनी अम्मी को कि वो अम्मी एक तरह शादी करा दी है, महसूस तो कराते भी रहते हैं. नाउ यू हैव टू डील विद दिस. एंड अम्मी बाजू में इसकी भी अम्मी है, मैं तो समझी तो नहीं होता. वो तो है और बिल्कुल है और वो नजर भी आ रही है और वो उनका किरदार ऐसा है कि मैं आपको बता नहीं सकती. एंड यू नो व्हेन आई वाज गेटिंग मैरिड, बाय द वे मेरी शादी भी लव मैरिज थी अल्हम्दुलिल्लाह. तो शॉक होने की बात नहीं, मौलवी को प्यार होता है. पर मैं सही में मौलवी था, मैं बिल्कुल जायज था, कंप्लीटली अवे फ्रॉम द दीन. माय वाइफ आल्सो कंप्लीटली अवे फ्रॉम द दीन. हम भी पागल, तुम भी पागल. माय वाइफ शी इज एक्चुअली लाइक रेज इन बेल्जियम, है वो पाकिस्तानी बट रेज इन बेल्जियम. तो मैं भी चूंकि बिल्कुल गोरा मेंटालिटी थी, भारी रहा हूँ, उनके साथ एक जनरल वो एक लाइकनेस भी डेवलप होगी. एंड आई वेंट टू माय फादर एंड आई पुट द प्रपोजल इन फ्रंट ऑफ हिम. माय फादर इज एक्स आर्मी, ही इज अ यूज्ड टू बी कर्नल इन द आर्मी. माय ग्रैंडफादर वाज आल्सो फ्रॉम द आर्मी, ही वाज ब्रिगेडियर इन द आर्मी. तो मेरे घर में शुरू चलते शुरू. सो व्हेन आई वेंट टू माय फादर, आई वाज इन माय अर्ली 20s एंड आई वेंट टू माय फादर एंड आई सेड दैट दिस इज द प्रपोजल. तो मैं लेके आऊं आपके. तो सर क्या कहा आपने? एंड मेरे अबू कह रहा था, मेरे पास अभी ग्लासेस नहीं, वो एन एस कंपनी में नोट्स की तरफ क्या कहा तुमने? तो मैंने कहा कि नहीं कुछ मेरी कहा वापस आओ सर. What did you just say? I said, Abu, वो सर मेरी प्रपोजल है, मैं शादी के मूड में. बड़ी अच्छी नहीं यार मैं. 35 से पहले मेरे पास दोबारा ना आना, क्या वापस में गया. एज आई वाज टेलिंग आई सेड यू नो व्हाट, इट्स नाउ और नेवर. अभी बात कर ही दिया तो लेट्स डू इट राइट. सो मैं वापस गया एंड आई सेड अबू असल बात ये है कि दिस इज द वन आई एम इंटरेस्टेड इन. आई नो आई हैव मेड लॉट ऑफ मिस्टेक्स इन माय पास्ट एंड आई नो के आप मेरे बारे में कुछ नहीं सोचते होंगे. बिकॉज़ ऑब्वियसली व्हेन आई लेफ्ट होम देन आई बिकेम क्वाइट रिबेलियस एंड ऑल ऑफ दैट. सो आई गॉट इट, लॉट ऑफ दिस इज द वन आई एम श्योर अबाउट एंड आई एम कंप्लीटली कन्विंस्ड दैट दिस इज द वन. एंड सो उन्होंने कहा कि फिर उन्होंने मुझे कुछ क्वेश्चन किया बिकॉज वो एक्चुअली माय फादर वो ISSB के एग्जामिनर भी रहते थे. और जिन्हों को ISSB का आइडिया है दे ग्रिल यू लाइक एनीथिंग एंड ही कैन रीड फेसेस एंड आईज मूवमेंट्स एंड एवरीथिंग. ही इज वेरी गुड फेस रीडर. तो ही न्यू आई वाज सीरियस एंड मैं उनके साथ मजाक नहीं कर रहा. तो उन्होंने कहा हाउ सीरियस आर यू? मैं कहा आई एम वेरी सीरियस एंड दिस इज आर यू श्योर अबाउट? आई सेड 100% श्योर. तो उन्होंने कहा ठीक है हम बात करके देख लेते हैं. एनीवे अल्हम्दुलिल्लाह अब्बू तो थोड़े से राजी हो रहे हैं एंड आई वाज वेरी लाइक रियली वरीड कि अब्बू मानेंगे कि नहीं मानेंगे. When I talked to my wife, she said कि आपके बजान मानना एक बात है, मेरे अबू कभी नहीं मानेंगे. अच्छा हमारी राजा फैमिली है, we belong from like पिंडी सांबा. तो उनकी फैमिली जो है वो एक्चुअली ओरिजिनली कश्मीरी फैमिली है. तो उन्होंने कहा कि ये तो मेरे फादर कभी नहीं मानेंगे. Now my father, I hope you're watching us, is like the godfather. He is like इस्लामाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रेसिडेंट रह चुके हैं. He is the council general for Ghana and he's at the same time he's like owns a lot of businesses, plaza वगैरह वगैरह. और उनका मसाला जो स्टाइल है ना वो ये होता है कि उसको फारे कर दो इसको. सो माय वाइफ सेड यू हैव टू गो एंड मीट हिम. सो आई वेंट टू मीट हिम एंड आई अप्रोच. मैंने कहा कि अब वो कहते प्यार किया तो डरना क्या, अब जाके बात तो करनी पड़ेगी. बिकॉज इफ आई एम सीरियस अबाउट मी देन आई हैव टू से व्हाट आई हैव टू से. सो आई वेंट इन अ वेरी डिग्निफाइड वे. आई सेड लुक अंकल अस्सलाम वालेकुम, कहते हैं जी आप क्या कर अंकल? आई एम लकरी, माय नेम इज अलजावला, मैं इनका बेटा हूँ, ये हमारी फैमिली है. मैं ऑस्ट्रेलिया में आजकल अपनी मास्टर डिग्री परसू कर रहा हूँ. एक्चुअली आई एम इंटरेस्टेड इन योर डॉटर एंड आई एम वेरी सीरियस अबाउट हर एंड आई वॉन्ट योर ब्लेसिंग्स एंड आई वॉन्ट कि मैं आपको बताऊँ और आपसे पूछूँ और आपकी इजाजत दूँ इंशाल्लाह. इफ यू आर ओके एंड इफ यू वांट आई वुड लव माय पेरेंट्स टू मीट यू and my family members also meet you and so on and so forth. Sir, please sit down. Photo chai leke ho. So, this is good. Zahir da, mera do. Level 2 is you have to meet my elder brother. And my elder brother goes to the gym.
Fantastic. This is great. अच्छा ठीक है. I met the other brother. He said, okay, क्या सीन है? मैं कहा जी चले लंच पे चलते हैं. Let me take you out for lunch. He is about 2 years older than me. So I took him out. हम लोग लंच पे गए. खाना साना खाया. बड़े आराम से बात की. I said, look, this is what it is. I'm interested in your sister. No funny business. Very serious. Otherwise, I would not be having this conversation with you. I already talked to your father. I'm talking to you. I'm here as a gentleman, and I'm being honest with you. And if there was any other intention, I would have not been sitting here. I would have not met your father. So here I am, and I'm completely exposed. मैं अपने आप को सारा लगा. I told him about my past story. दीजिए मेरा आप मेरी कहानी है, what I've done, and so on. So here I am. I'm open book. Ask me anything you like. So he asked me a very tough question, which I gave him answers to. Alhamdulillah. I tell you, when he left, he was like, respect to this guy, because he was like, you know, इसने इतनी openly और honestly बात की है कि मुझे खुशी है कि इस तरह से इसने मुझे approach किया. Alhamdulillah, that's how it is. So मैं आपको क्या बता रहा हूँ. The thing is कि हम लोग डरते हैं ना अक्सरों का कि हम क्या करें. Mark Twain is saying, marriage is the thing that will tell you whether or not this relationship is going to work. When I was getting married, I told my wife ke jab hamara actually barat ka function tha, to hum log stage pe baithe hue. So meri family ke kuch bacche the jo ke stage se chhalange maar rahe the. And that gives you a flavor of what you're getting into. So wo bacche the, mere behno ke bacche the, wo stage par kehte haath puri 1 2 3. वो बच्चे हैं जिनको हमने शादी पर लाना मुनासिब समझा. जो असल लॉट है वो तो घर में वेटिंग विद अ सरप्राइज पार्टी. जितना भी बंदा क्लियर हो जाए, स्टार्ट हो जाए, playboy hoja, when he wants to marry someone, main Vegas ki baatein kar Pakistan ki baat kar, when he wants to marry someone, he wants a different woman. And that's what I knew. Mera to past to bahut angelic nahi hai. I knew ke the one who is going to be my wife is not somebody who I'm going to pick from the club or the pub or the disco. She has to be someone who has to adjust with me and my family and so on. And she has to be not just my wife but the mother of my children. And so ye concern was very much there. And although my wife also वो कोई ये नहीं था कि वो बहुत ही कोई religious figure था, कोई ऐसी चीज नहीं थी. मैं पहले बताया हम भी पागल तुम भी पागल दोनों ही crazy थे, लेकिन there were certain qualities that she had which I did not know anything about this. मुझे ये love struck वाली workshop में नहीं पता था उस time पे. मैंने खुद ही figure out किया कि कुछ qualities character values उसमें ऐसी थी जो मुझे लगा कि these are beautiful character values. This is amazing. I'd met a lot of people in my life. I'd met a lot of people throughout my like education jo hai na England mein bhi, Australia mein bhi, but when I met her I knew this is the one, she is the one, because kuch aise values thi. I was like, you know, it's very rare to find a woman with these kind of qualities, itni achhi quality. I was like, wow. And that's why I was willing to put my neck on the line to literally apne baap ke samne jana, uske baap ke samne jana, uske bhai ke samne jana. Kyun? Because I knew she was worth it. And this is yani the best thing I can find. So मुझे उस टाइम बोला था, I was like, this is it guys, this is it. And so I went out on the line. Now what I'm saying to you is as follows. My sister is in this house. The women in the audience. If you are in a relationship, we all make mistakes. I make mistakes. मैं सबसे पहले अपने आपको सामने यहाँ पे as a person present कर. मैं कोई holier than thou figure नहीं आपको present कर. If we are in a relationship, then you tell the guy कि either you talk to my father. Or you end this. If you are serious about me, if you're really serious, you talk to my father, or it's goodbye. And my dear brothers, if you truly are serious about someone, and you know that she's going to be your wife, then don't wait, don't hesitate, talk to your parents and make it official. इससे ज़्यादा अच्छा मशवरा मैं आपको नहीं दे सकता. Now I know that you might be thinking, हम अभी lungs में पढ़ रहे हैं, अभी तो पहला year है या second semester है, मैं कैसे जाके कह दूँ? इसमें कोई क्यामत की बात नहीं है. All you have to do is दो तीन चीजें जो हमारी भी गलतियां, हमने उनको rectify करना. पहली बात ये, often times guys will tell me my parents don't take me seriously, and for good reason they don't take me seriously. देखिए
पेरेंट्स देखिए आपके पेरेंट्स से ज्यादा खैर ख्वाह का कोई भी नहीं है, सिस्टर्स एंड ब्रदर्स बोथ। हमें लगता है नहीं वो जो मुझे लड़का जावेद मिल गया ना वो बहुत खैर ख्वाह है, वो तो मेरे बाप से भी ज्यादा खैर ख्वाह है, वो जावेद कभी भी खैर ख्वाह नहीं हो सकता, वो पहले एग्जिट पर निकल जाएगा। और माय डियर ब्रदर्स परवीन भी इतनी ज्यादा खैर ख्वाह नहीं होती जितनी आप समझ रहे हैं। नहीं नहीं परवीन लव्स मी मोर देन माय मदर, आई डोंट थिंक सो। द थिंग इज कि हमें लगता है कि हमारे पेरेंट्स की गलती पता क्या होती है, गलती होती है कि उनको समझ नहीं आती वो लव कैसे एक्सप्रेस करें, वो अपने प्यार में, वो आपके लिए, वो आपके दुश्मन नहीं है। योर पेरेंट्स डोंट वांट टू किल यू, दे डोंट वांट टू डिस्ट्रॉय यू। वो अगर ये कहते हैं कि बेटा सब फैमिली में कर लो, तो वो लड़कियों को इसलिए कहते हैं कि चलो फैमिली में कोई कहते ना इज द डेविल यू नो देन द डेविल यू डोंट नो, तो ये तो हम जानते हैं इसको, इनकी फैमिली को भी पता है, देयर इज नो सरप्राइजेस, वो इसलिए से कहते हैं। या कोई अगर ऐसी बात करते हैं तो उनकी भी मैं इंटेंशन समझ सकता हूँ। ऑब्वियसली इस्लाम में ऐसा नहीं है कि बिल्कुल जबरन हम एक जात से बाहर निकलते, नहीं ऐसी बात नहीं है, जिसका कैरेक्टर अच्छा है वगैरह वगैरह मतलब कर सकते हैं, लेकिन हमारे पेरेंट्स जिस तरह से करते हैं अंडरस्टैंड दैट आगे अप्रिशिएट होने से जो है ना बात नहीं बनेगी। एंड द सेकंड थिंग इज कि अगर लड़कियों के बारे में भी अगर आप उनको बात करते हैं तो उनके हमारी अम्मी जो है आमतौर पर वो खाला की बेटी तो पहले लाइन होती है, अम्मी अलग से नहीं बेटा छोड़ दोस्तों खाला की बेटी इंतजार कर रही है, नहीं बट अगर 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 वो नहीं करनी फिर मामू की बेटी है, अगर मामू की फिर फूफो की बारी आती है, तो द थिंग इज कि उन्होंने भी लाइन लगाई होती है, बट we are telling them that this is the one I found and I'm serious. Now the reason why they don't take you seriously is because वो हमारे बारे में जो concern रखते हुए हैं कि बेटा आप अपने कमरा नहीं संभाल सकते, आप दुल्हन कैसे संभालोगे, बेटा तुम अपने कपड़े नहीं संभाल सकते, तुम एक दूसरे बंदे को कैसे जो है सपोर्ट करोगे, तुम अपना गाड़ी का बेटा तुम तेल नहीं बदला सकते, तुमने किसी घर को कैसे संभालना है। We need to become responsible. जब आप responsible होंगे ना तो आई टेल यू योर पेरेंट्स विल नॉट थिंक ट्वाइस, उनको वो आपके दुश्मन नहीं है, वो कहते हैं बेटा तुम अभी आप गए ना फर्स्ट सेमेस्टर में जाके मम्मी मुझे प्यार हो गया मैं इस बार जो ना शादी कर जाता हूँ, योर मॉम विल रोल ऑन द फ्लोर एंड लाफ, शी विल व्हाट्सएप हर कांटेक्ट लाइक एलओएल। आज क्योंकि आज मुझे पता नहीं एलओएल क्या होता है, guess what, my son comes up to me first semester, kehta I'm in love and I want to marry this girl who is my class fellow and I was rolling on the floor and wagara wagara. So wo kyunki beta tumhari abhi to wo jo hai na maqam hi nahi hua ki tum apne aap ko sambhal sako, tumhare kapde main khati hu, tumhare jo hai joote main sambhalti hu, tumhe khana main deti hu, how are you self sufficient and how on earth are you managing somebody else? Now you know when my father asked me ke beta 35 se pehle socha hai, I know wo kyun keh rahe the ki abhi settle ho jao, job kar lo, zara bande ban jao saab. What did I tell him after that? I told him, look, जब मैं इंग्लैंड में था डैड आप मेरे पास रहने आए थे, I invited you and mom over. I was living independently, I was managing a house and my studies, and I did both of them really well. And at the same time, जब मुझे मैंने ऑस्ट्रेलिया में था, I was managing a house and I was working on my studies. I was doing both of them independently. मैं और jobs भी कर रहा था, I was earning for myself all of that. And I said, if I can do that for several years, then surely एक बंदा अगर extra मेरे family में आ जाता तो मुझे कोई क्या मुझे ऊपर You will have to be a man of action. आप जब उनको प्रूव करेंगे कि वाकई आप कर सकते हैं, then they will take you seriously. So what you need to show them is कि आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लें, आप खुद पहल करें, और कि अब वो कोई एक्स्ट्रा काम है मुझे बताइएगा, आई कैन इजीली हेल्प यू, अभी अगर कोई काम हो तो मुझे बताइएगा। लड़कियों के बारे में भी अम्मियां परेशान की होती, नहीं बेटा अभी नहीं बेटा 30-40, अभी औरतों के लिए भी टाइम बढ़ा दिया, क्यों, क्योंकि वही बात है कि एक खलंदापन आ गया, लड़का जो सारा वक्त प्लेस्टेशन में बैठा रहता है, एक्सबॉक्स में बैठा रहता है, कि बेटा तुम तो अभी तक वीडियो गेम से बाहर नहीं आए हो, तुम्हारी शादी कैसे करा दूंगा, You're a boy right now, you're just a child. और हम लोग 25 साल के योजना हमारे पेरेंट्स हमें बच्चे समझ रहे हैं, वो आपको बिचोर कब समझेंगे जब आप एक्ट करेंगे उसको। एंड सिस्टर्स के लिए भी ये बात है, द वुमेन इन द ऑडियंस, आपके लिए भी ये इशू है, वो कहते हैं बेटा आपको खाना पकाना आता है, आपको कुछ करना आता है, आप घर से बाहर आता है, आपके पीछे हम सारे दिन भागते रहते हैं, तो जब आप उनको बताएंगे ना कि नो आई कैन टेक केयर ऑफ माई सेल्फ एंड आई कैन टेक केयर ऑफ अ फैमिली एंड आई कैन रेज अ फैमिली, देन दे विल लाइक ओके नाउ आई नो दैट यू आर केपेबल इनफ, अदरवाइज दे विल नेवर, मतलब वो बेवकूफ नहीं आपके पेरेंट्स के, वो आपको आज उठाएंगे कि बेटा जैसा आप कहेंगे 18 साल की 17 साल की उम्र में चले जाके आउट कर मैरिड जी बेटा बिस्मिल्लाह चलो सारी बात, ऐसे नहीं होता। आई टेल यू व्हाट, देयर इज अ ब्रदर इन कराची रिसेंटली, ही इज पार्ट ऑफ आवर ऑर्गेनाइजेशन यूथ क्लब, ही गॉट मैरिड एट 18 एंड आई वाज लाइक व्हाट, आई वाज श्योर, आई वाज लाइक यार तुम बहुत तुमने तेजी दिखाई 18 साल, एंड रियली ही इज अ वेरी मैच्योर ब्रदर, ही इज 18 बट आई थिंक ही एक्ट्स लाइक ही इज 28 बिकॉज ऑफ द मैच्योरिटी लेवल ऑफ हियर। और उसकी मजे की बात है पहले उसने शादी की अनीतो के साथ कनाडा, सेटल हो गया वहां जा इंडिपेंडेंट, बिकॉज उसके अंदर ये कैपेसिटी है टू डू ऑल ऑफ इट, ही इज नॉट अ मामाज बॉय, ही इज नॉट समबडी हु इज ऑलवेज बीइंग स्पून फेड,
उसने अपने यानी देखा कि मैं आपको प्रूव कर सकता हूँ एंड ही डिड इट एंड द पेरेंट्स हैड नो इश्यूज हालांकि उसकी फैमिली को इतनी प्रेशर नहीं कि वो मान जाए कि हाँ बिल्कुल ठीक है दिला देते हैं सो द थिंग इज कि वी हैव टू टेक सम रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन आवर ओन शोल्डर और जब ये रिश्ता चलेगा 25 साल फिर कहीं जाकर समझ आती है कि यस नाउ इट्स ट्रू लव नाउ द क्वेश्चन दैट आई पुट फॉरवर्ड इज कि व्हाट इज लव इज इट हलाल और इज इट हराम जो समझते हैं कि ये हराम है आपका घर डेढ़ बंदा किसी ने आपका जो कहते हैं हलाल है ओके कुछ याद करो जो कहते हैं वल्लाह मुझे नहीं पता हाँ नहीं और पता नहीं ओके सो लेट मी ब्रेक इट डाउन लाइक दिस कि लव इज हलाल एंड इट हराम सही तरीके से होगा तो हलाल होगा और गलत तरीके से होगा हराम होगा अम्मी से प्यार हो सकता है अबू से प्यार हो सकता है बीबी से प्यार हो सकता है शोर से प्यार हो सकता है बच्चों से प्यार हो सकता है मुल्क और कौम और वतन से प्यार हो सकता है ये सारी चीजें ठीक है वैलिड है लेकिन प्यार अगर सामने वाले लड़की के लड़की के उनसे आप आती की डोरे लड़ा रहे उसे इश्यू हो जाता है तो द थिंग इज के इसके दोनों यानी चीजें हो सकती है इट कैन बी लीगल एंड टू बी इलीगल नाउ द थिंग इज के अगर आप मिसाल के होते लाहौर में Let's suppose Kosa Nostra is a good place, right? Yes or no? Yes. Okay, so for example, there is a restaurant, fancy restaurant. Yeah, ek veranda bhi hai aapke yahan pe. Yeah. Okay, so aap ek khatoon ko zara veranda leke ja rahe hain. Aur ek ek lamha jo aap unke saath guzar rahe hain, because she is your wife, it is recorded as good deeds. The companions of the Prophet ﷺ, they would ask the Prophet ﷺ, ke hume apni wife ka time spend karne ka pleasure milta hai. You get rewarded for the time that you spend with your wife. आपको अपनी वाइफ के साथ टाइम गुजारने का अजर और सवाब मिल रहा होता है आप मैकडॉनल्ड्स में बर्गर खा रहे हैं एंजल्स दिख रहे हैं सवाब 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 आप उनको हाथों में हाथ लिए बुलेवार्ड पे ड्राइव कर रहे हैं लिखा सवाब सवाब आप उनको बरांडा में जाके चेक दे रहे हैं कि चेक प्लीज और आपको सवाब मिल रहा है आप उनके साथ यानी जो यानी वट एवर यू आर एंगेजिंग इन विद हर इट इज रिटन एज अजर सवाब अजर सवाब अजर सवाब अजर सवाब के यहाँ सुना ये क्यों हो रहा है वाई आर वी गेटिंग रिवॉर्ड फॉर समथिंग दैट वी एंजॉय He said, because if you would not do it this way, you would do it the haram way. And because uska gunah milta hai, isliye jab tum halal tarike se karte ho, uska ajr sawab milta hai. Haram tarike se kya hai? Biwi nahi hai, girlfriend hai. Oh, usko gaadi mein, baby, I'm gonna pick you up at 5, and then we're gonna cruise down Main Boulevard, and then we're gonna go this way. What's happening? Aapke angels ne tan diya kar liye. He sits in the car, violation number one. शैतान के नक्शे कदम पर मत चलो जिना मत करो ये नहीं कहा कि डोंट हैव हराम रिलेशनशिप So don't even go near it. So दोनों में फर्क है कि don't do zina is something else. एक है don't even come close to it. So come close or doing का मतलब क्या है? एक बंदा जिसका एक लड़की के साथ relationship है, he is going out with her for the last 6 months. Finally he takes her to a hotel and they are now alone in the hotel room and he locks the door and he approaches her and he says, you know what? I can't go through with this. So I'm sorry. I have to go. मैं अपने आप को बचा रहा हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह मैं हराम से बच गया. इस हराम से तो बच गया लेकिन मुझे 6 महीने का रिकॉर्ड है ना वो इंजन लिखा हुआ है बिकॉज वो सारा ही का सारा गलत था रीजन भी मेरे घर में अगर एक फॉर एग्जाम्पल स्टडी रूम के अंदर एक सॉकेट है उस सॉकेट के अंदर ना तारे निकली हुई है अब मेरी छोटी बेटी जो 3 साल की उसको मैं कहता हूँ बेटा आपने ये नहीं कि सॉकेट को हाथ ही लगाना डोंट टच द ब्लू एंड रेड वायर आई से डोंट इवन गो इन टू द स्टडी रूम आई डोंट टेल कि बेटा आप स्टडी में जा सकती है लेकिन उसको हाथ ना लगाना आई एम टेलिंग यू डोंट इवन गो देयर Because I know that when she goes into the room, she might be tempted. So Allah Subhanahu wa Taala ne ye nahi kaha ki don't commit zina. He said don't even go near it. Which means that everything that leads to it, the first phone call, the first message, the first meeting, the first date, the first cup of coffee together, it's all part of going close to zina. Because I'm slowly start to chalte chalte. Aahista hum apne aap ko is path mein utar rahe hain. And that's what he has stopped us from. On the other hand, halal tarike se karein nikah kar rahe hain, har cheez ajr aur sawab. You enjoy the duniya ki yatra jitni aap early shaadi kar lete hain utna aap apne aap ko fitna se bacha rahe hain that's why the person said those of you who can afford to get married do it I mean if you can afford to do it and you know what if you're serious about someone then you need to talk to your parents
If you see someone, then you need to talk to them. Another question, very interesting one, is love intentional or unintentional? मैं इसको रिपीट करता हूँ, उर्दू जुबान है ताकि समझ आ जाए। प्यार जो है वो जानबूझ के किया जाता है या बस हो जाता है? शांत हो जाइए। ये बताएं कि जो लोग कहते हैं कि प्यार तो होना ही था, आप क्या कह रहे हैं कि बस हो जाता है, प्यार हो जाता है, प्यार हो जाता है? कुछ जानता हूँ जो कहते हैं कि प्यार कोशिश करके किया जाता है, दोनों वाले भाई को दुरुस्त हुआ आपने। प्यार दोनों तरीके से होता है। Let me give you an example of how it happens. Let's go with the intentional one first. कि जबरन प्यार कैसे होता है, यानी हम कहते हैं कि प्यार इख्तियारी होता है या गैर इख्तियारी होता है? आपके इख्तियार में होता है या गैर इख्तियार में होता है, यानी आप कंट्रोल में नहीं। सो जो इख्तियार में होता है उसको उसकी बात देखते हैं। एक बंदा है जो कि लम से बाहर निकलता है, ये एग्जिट लम से बाहर निकला एंड ही गेज अपॉन अ गर्ल एंड ही गोज दैट इन केस यू मिस्ड इट लेट मी रिपीट दैट इन स्लो मोशन। सो बाहर निकला ही गोज जो पहली नुक्ती वो तो समझ में आती है, ये जो दूसरी नुक्ती इसलिए प्यार में थी। दैट्स व्हाई द प्रोफेसर सेड द फर्स्ट लुक इज फॉरगिवन। एक बंदे को देखेंगे ठीक है फाइन, और जो सेकंड थी ये तो आपके प्यार में थी। कुछ बदल होते हैं, कहते मैं पिछले 5 मिनट से बंदे को देख रहा हूँ, क्या हो गया खत्म करें इसको, कहते यार वो पहली लुक चल रही है अभी खत्म नहीं हुई है। वो सेकंड लुक आपके प्यार में थी, ऊपर से आपने क्या किया, सेकंड लुक चलाई उसके बाद आप उसकी पीछे जाने चोगे, यू एक्चुअली फॉरवर्ड है ऑल द वे एंड देन यू आस्क सम गाय हु स्टैंडिंग देयर, यहां की बंदी कौन थी, बंदी कौन थी, यार ये एक्सक्यूज मी यार यहां पड़ती है स्टूडेंट है गाना मुझे बात। अच्छा नंबर प्लेट करके सर कौन सी है नाउ, उसका नाम से पूछा, डिपार्टमेंट पूछा, घर गया फेसबुक पे, नाम सर्च किया प्रवीण सो एंड सो, सर्च इज क्विक 2830 ऑफ दैट, इसमें देखता नाम वाली कौन सी, हां नाम दैट्स द वन, क्लिक किया मिल गई। Send a friend request. You want make friendship with me? She says no. And then he sends another request. And another finally we're getting Allah ki bande fine. Yes, I accept. वो कहता है कि यानी उसने request कबूल कर ली तो यानी रिश्ता भी कबूल है, कबूल है, कबूल है। वो कुछ नहीं में मुफ्तल हो गए कि बस ये तो कबूल कर चुकी है मुझे। And अब वो है उसकी प्रोफाइल को स्टॉक कर रहा है, उसकी तस्वीरें देख रहा है, इंस्टाग्राम चेक कर रहा है, एवरीवेयर ही इज वाचिंग हर, स्टॉकिंग हर, स्कूल में भी कॉलेज में भी आके उसको देखता है, बैठते जाओ बैठते उसके पीछे आ जाता है, ऑल डे लॉन्ग ही इज डूइंग दिस। इट टेक्स हिम वन होल वीक ऑफ स्टॉकिंग एंड चेसिंग एंड लुकिंग एट अ प्रोफाइल पिक्चर अगेन एंड अगेन एंड दिस एंड दैट एंड द अदर अंटिल फाइनली ही इज लव स्ट्रक। आफ्टर वन वीक ऑफ वेरी अनथक मेहनत ही इज लव स्ट्रक। अब वो इतना सीरियस हो गया कि जब उसके दो साथ खड़े होते हैं वो सामने से गुजरती है, जैसे वो बची तक चुप कर तुम्हारी भाभी है। Now he's serious. Now he's very serious. अच्छा, on the other hand, there is another brother who comes out of lums also. वो लम से बाहर निकलता है, वो भी खातून की तरफ देखता है, लेकिन फर्स्ट लुक के बाद he doesn't follow that up with the second look. बट इफ आस्क द फ्रेंड के जो खातून गुजरी है कौन थी, कहते हैं यार ये फलाफला है, यहाँ पढ़ती है, फलाफला की बेटी है, इस तरह से तो फन। नाउ व्हाट ही डज इज कि आफ्टर गेटिंग सम इंफॉर्मेशन ही गोज टू अमी, देयर इज अ गर्ल इन माय कॉलेज और इन माय यूनिवर्सिटी एंड आई एम इंटरेस्टेड इन हर। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप मेरी शादी कल करवा दें या परसों करवा दें, मैं कह रहा हूँ कि आप उनकी फैमिली से मिल लें या कोई ऐसा सिलसिला शुरू करें जहाँ पे यू कैन मीट हर मदर और समथिंग लाइक दिस। And if she is available and अगर वो मानते हैं और राजी हो जाते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह, it would be very good for me. अगर नहीं तो फिर I'll put my trust in Allah कि अल्लाह ने जो मेरी जाना फैसला किया होगा वही बेस्ट होगा। तो अपनी माँ से बात करता है, माँ आफ्टर सम इनिशियल हेजिटेशन कि बेटा आज सोर एंड सीरियस रियली यार, तो आप जब इंसिस्ट करते हैं तो कहते ठीक है मैं देख लेती हूँ। तो पता चला कि थी कोई कमेटी पार्टी है जहाँ पे उनकी अम्मी भी आती है, आपकी अम्मी ने जाना शुरू कर दिया, वहाँ पे कुछ बातें हुई ओवर द कोर्स ऑफ सम टाइम। नाउ इन द सेम टाइम दिस ब्रदर इज रिलैक्स्ड बिकॉज ही नोस के जो भी होगा वो अल्लाह का फैसला है। मैंने बात को जा दी, मेरा ही काम था, उसने वो काम कर दिया। अम्मी ने बात की, उन्होंने कहा बेटा मैं उनसे मिली हूँ, माशाल्लाह फैमिली बहुत अच्छी है, बल्कि हमारे वो जाने वाले निकल आए कहीं दूर से इस तरह से, तो अल्हम्दुलिल्लाह अगर वो रिश्ता चलता है तो बहुत अच्छी बात है। और मदर कम्स एंड सेज कि बेटा उसके ऑलरेडी बात हुई है या उसका निकाह हुआ और समथिंग लाइक दिस कि वो अवेलेबल नहीं है तो जो है मूव ऑन विद लाइफ। एंड उसके लिए ही डज नॉट ड्वेल ऑन दिस के नाउ आई एम स्टक विद हर एंड दिस शी इज द ओनली वन एंड आशिक का वारा हो जाओ और पागल, इस तरह की बात नहीं। ही इज अ ह्यूमन बीइंग एंड ही इज रैशनल एनफ टू थिंक ठीक है अगर ये नहीं तो मे बी देयर इज हिकमा इन दैट, मे बी कुछ में अल्लाह की बहुत बड़ी हिकमत होगी कि अगर ऐसी बात नहीं हो सकती।
And I tell you, I said, who are kai dafa logon ko laga ki no, this is the only one for me. There was one brother I knew who was obsessed with this girl, obsessed. And dono college mein mile or something like that. Uske baad kya hua, hamara dost tha, usne kya kiya, usne kaha ji, she is the one for me, she is the most beautiful girl, she is the most acha akhlaq and ye aur wo, and she is the one. Hua ye ki us ladki, wo bhi interested thi isme, lekin uski ladki ke jo parents hain, उन्होंने उसकी शादी करा दी एंड लड़की बड़ा जबरन शादी उसकी हो गई और वो फिर आई डोंट नो कहीं चली गई और समथिंग शहर छोड़ गई और समथिंग लाइक दिस. नाउ दिस गाय वाज हार्ट ब्रोकन कंप्लीटली डेवास्टेटेड बिकॉज़ दैट गर्ल ही वाज इन लव विद हर एंड शी लाइक हिम टू एंड पेरेंट्स ने जबर किया शादी करा के भेज दिया. उसकी अपनी लाइफ शुरू हो गई वहां पर जिसका भी था. ये बेचारा पीछे आशे का वारा हो गया. तो हम उसको एडवाइस करते थे कि यार तुम कम ऑन गेट ओवर हर जस्ट ट्वेंटी फिश इन द सी ब्ला ब्ला ब्ला. तो कहते थे नो ही यूज्ड टू टेल अस के I will never get married. I'll never find a girl like her. Because jitni qualities usme thi, I don't think I can find any girl like her. So we used to tell him, we even set him up. Yani Allah ki maaf kare, we even try to set him up. And set up karte the, aur woh jaake na, yani kya hota tha ki, he would say to the girl ke, you know, this is a setup. I am not interested in you because my heart is somewhere else and I could never love you. So that's how it is. And so हमें कॉल आते थे ये किस कम का बंदा था कि he is not interested at all and blah blah blah. तो हमें कहा यार इसको तो कहीं हुक्का कराना भी जाना वो खतरे से खाली नहीं है हमारा. हाँ हमें बदनाम करा रहा है वो करा. Anyway, we left him on his own. After a few years, I think it took about 6 years, उसकी शादी का कार्ड आता है. Out of nowhere. And I was like, अच्छा he's getting married? The little devil? ये कैसे हो गया? Anyway, उसने पूछा यार तू तो कहता है कि शादी नहीं करूंगा ये कहाँ से हुआ? तो पता चला it was love marriage. तो ये तो कह रहे थे शादी नहीं होगी दो साल तक तो हमने तुम्हें खुद देखा विटनेस किया यू आर लाइक अ टेरिबल मेस व्हाट हैपेंड ही सेड नो नो आई फाउंड समवन एंड वगैरह वगैरह एंड ही सेड यू नो व्हाट द गर्ल आई फाउंड नाउ शी इज बेटर देन द प्रीवियस वन बाय एवरी स्टैंडर्ड हर लिहाज से वो सच है. कहता है नाउ थैंक्स टू फेसबुक आई नो व्हेयर द प्रीवियस वन इज और कितना उसने नाक में दम किया हुआ अपने हस्बैंड का थैंक्स टू स्टॉकिंग एंड ऑल दैट. कहते मैंने देखा कि उसने कितना उसकी असलियत अब सामने आई है कि क्योंकि सामने सामने तो हर बंदा बड़ा स्वीट बना होता है ना हम लोग जल्दबाजी बहुत करते हैं. कराची का आपने वाक्य सुना होगा जो लड़का लड़की ने खुदकुशी कर दी. पेरेंट्स ने इनकार किया उन्होंने कैंपस पे आके दोनों ने गोलियां मार के खत्म कर दी दूसरे को. यू नो अल्लाह ताला कुरान में भी कहते हैं कि इवन समथिंग यू थिंक समथिंग इज गुड फॉर यू बट मेबी इज बैड फॉर यू. And you think something is bad for you, but in it is something good. हम जल्दबाजी बहुत करते हैं, हम impatient हो जाते हैं. We don't trust the plan of Allah Subhanahu wa Taala, और यकीन करें कि जो अल्लाह के प्लान होते हैं वो सबसे अच्छे होते हैं. इस तरह की मैं आपको कुछ दर्जनों examples दे सकता हूँ कि जहाँ पे इस किस्म के वाक़यात हैं. So the thing is कि love could be intentional or it could be unintentional. But the thing is, what choices do you make? That's the million dollar question. एक बात मैं आपसे कह रहा हूँ, between stimulus and response. Stimulus, the first time your eyes fell upon someone, the first time you liked someone, the first time somebody was attracted to you. Between that stimulus and the response that you will take, there is an area of space which is your free ground to make a choice. Aapne choice mein karni hai, ab aapne karna kya hai. Okay, you like someone, fair enough, no problem. You can like someone, unintentionally bhi insaan kisi se mohabbat kar sakta hai. But then ab karna kya hai. अब मैं प्राइवेटली जाके किसी को पसंद करता जाके एक्सक्यूज मी कैन हैव योर फोन नंबर कैन यू लाइक डू दिस थिंग अपने मान से ये करूं या कोई प्रॉपर चैनल के थ्रू अप्रोच ना करूं. सो द थिंग इज बिटवीन स्टिमुलस एंड रिस्पांस देयर इज एन एरिया ऑफ चॉइस व्हिच इज कंप्लीटली योर टेरिटरी. यू हैव टू मेक दैट चॉइस कि मैंने करना क्या एंड यू कैन चूज व्हिचएवर ऑप्शन यू विल टेक. दैट्स वेयर आई वांट टू टेक यू इंशाल्लाह. नाउ ये जो दिल का मामला है ना ये बड़ा सख्त मामला है. Because we have to protect our heart. We have to protect it because it's something very valuable. Quran mein bhi Allah Taala farmate hai yawma la yanfa'u malun wala banun illa man atalla bi qalbin salim. On that day nothing will benefit you except a sound heart. Na aapka paisa kaam aayega na aapke bacche kaam aayenge. Jo cheez kaam aayegi wo qalbin salim hai. A sound heart jisme a heart that fears Allah, a heart that's free of sins and transgressions and so on. Acha ye jo heart hai ye kaise hoga? Yani kuch log hote hain wo na pyar ke mamle mein bade dil khaik ho jate hain. वो शेर ना कि हजारों लड़कियां ऐसी क्या लड़की पे दम निकले सुना हजारों लड़कियां ऐसी क्या लड़की पे दम निकले लेकिन जिस पे है हमारी नजर वो अपने घर से कम निकले. कुछ लोग होते हैं वो बहुत दिल फेंक होते हैं उनको दिल में कोई 20 दफा प्यार हो रहा होता है
कहीं अब मुझे प्यार हो गया, नहीं अब मुझे प्यार हो गया। तो देखेंगे इसके ये जो दिल है ना, इनको फैलने वाली चीज नहीं है, इट इज समथिंग दैट यू हैव टू वैल्यू एंड यू हैव टू चेरिश। एंड ये वो चीज है जो आप कैमरे के दिन लेके जाएंगे, यू हैव टू पुट दिस बिफोर अल्लाह सुभान व तआला। इसकी हालत क्या थी, इसकी किसकी जो है कंडीशन क्या थी। सो द वे टू द हार्ट, व्हाट इज द वे टू योर हार्ट, वो क्या कहते हैं द वे टू मैन हार्ट इज टू व्हाट, टू स्टमक। ये पाकिस्तानी अभी जापानीज कहते हैं द फास्टेस्ट वे टू मैन हार्ट इज थ्रू द चेस्ट विद अ शार्प नाइफ, व्हिच आल्सो मेक्स सेंस। लेकिन हमारे स्कॉलर्स ये कहते हैं कि द फास्टेस्ट वे टू योर हार्ट इज एक्चुअली थ्रू योर आईज। द फास्टेस्ट वे टू योर हार्ट इज थ्रू द आईज। यू लुक एट समथिंग एंड यू लाइक इट, दैट्स व्हाई वी एट यूथ क्लब से नजरें मिलती हैं। अ कॉम्प्लेक्स सर्विस मैसेज ब्रॉट टू यू बाय यूथ क्लब। And so we have to lower our gaze. Lower our gaze means that if you are tempted, then you lower your gaze and you protect yourself. बार बार घूरना, देखना, ताड़ना, ये चीजें जो है ना हार्ट प्रोटेक्ट करती हैं। And people begin to obsess about these things. Some people fall in love with movie characters because of obsession with the character. Some people fall in love with fictitious people that they read in novels, and they get proper love struck by these people. कि ऐसे कैसे हमारे पास आते हैं कि जी, I'm in love with this actor or actress. And I'm like, are you serious? Yeah. वाकई हेड ओवर हील्स इन लव विद द पर्सन बिकॉज ऑब्सेस कर रहे थे उसके बारे में। बार बार देखे कमरे में पोस्टर लगा हुआ है, मोबाइल फोन में वॉलपेपर बना हुआ है, डेस्कटॉप पे स्क्रीन सेवर है, और अदर थिंग्स। सुबह शाम उनको देख रहे थे, जबरन ही होता है। सो द आईज हैव टू बी प्रोटेक्टेड, दैट्स व्हाई अल्लाह पाक सेड कि टेल द बिलीविंग मेन टू लोअर देयर गेज एंड गॉड देयर मर्सी, एंड टेल द बिलीविंग वुमेन आल्सो टू लोअर देयर गेज एंड गॉड देयर मर्सी, बिकॉज दैट्स द फास्टेस्ट वे टू योर हार्ट। सो प्रोटेक्टिंग योर आईज इज वेरी इंपॉर्टेंट। नंबर टू, प्रोटेक्टिंग योर टीयर्स, कानों की हिफाजत करना, बिकॉज कानों के जरिए भी प्यार हो जाता है। समटाइम्स यू लिसन टू समवन एंड देयर स्पीच इज अमेजिंग एंड सो यू फॉल इन लव। समटाइम्स पीपल फॉल इन लव विद रेडियो टॉक शो होस्ट, ये रेडियो पर सुना है, देखा नहीं, बट आई एम इन लव विद दिस पर्सन। एंड समटाइम्स यू फॉल इन लव बिकॉज गाने सुन सुन के, प्यार, इश्क, मोहब्बत, जुनून, दीवानगी, आशिकी, आवारगी, सुन सुन के बंदा कहता है सुभानअल्लाह सारों को प्यार आ रहा है। And then people, you know, sometimes what happens is people, it's not that they're in love with someone, they just love to be in love. You know what I mean? Sometimes it's not that you're in love with someone, you just want to be in love. Because aap subah shaam ko gaane jo sun rahe hai na, kisi ko to fit karna hai na uske andar, kisi ko to imagine karna hai. I remember back when I was in college, hamari bus pick karne aati thi. Bus mein hum sare ladki the, wahan char ladkiyan thi. Puri bus ko unhi charon se pyar hua hai. Kyunki sare ke kaanon mein headphone lagaye gaane sun rahe hai, ab wo ladki aa rahi to har koi unhi ko kisi ko imagine kar raha hai. It's gonna be one of the four. So everybody's like, no, she's tumhare se off limit, no, tumhare se off limit. And they were not koi bahut dhoor pariyan nahi thi, this was normal average girls, and everybody was headed for it because option hi koi nahi thi. So the thing is ke sometimes because of these things that constantly go into our heart, movies dekh dekh ke, love stories dekh dekh ke, hum kehte kaash mera bhi koi aisa priya bhi aapko hota, kaash mera bhi koi aisa lifestyle hota, ishq ke mamnoon aur fatima gul aur mera sultan aur kala pyar paisa aur patni kya gudarte maange na hai. We obsess with these stories and then we want our story to become like this. So ये है अपने कानों को प्रोटेक्ट करना, एंड इवन प्रोटेक्टिंग योर ईयर्स फ्रॉम गॉसिप। एंड इस तरह का जो होता है कि ओ शी इज गोइंग आउट विद हिम एंड ही इज गोइंग आउट विद हर एंड ओ ही ब्रोक अप विद हर नाउ नाउ ही इज विद हर एंड नाउ दे आर गोइंग टुगेदर, ये भी जो गॉसिप्स है ना, ये भी हमें खराब करती है। कि देखो सारों को प्यार मोहब्बत हो रहा है, किसी के तीन तीन रुपए टूट चुके हैं, बन चुके हैं, मैं भी तक सिंगल बैठा हूँ, कुछ भी नहीं हुआ अभी तक। सो डोंट गो अंडर पीयर प्रेशर, और ये चीजें अपने कानों की बात करें कि देयर आर पीपल इन योर कम्युनिटी और योर सोसाइटी और योर फ्रेंड सर्कल हु टॉक लाइक दिस, देन इट्स बेटर टू मूव अवे फ्रॉम दैट। ऐसी कंपनी से तनाई अच्छी होती है कि बजाय इंसान अपने आप को किसी ख्वार कंपनी में लेके आए, ऐसे लोग जिसको टेम्पटेशन की तरफ लेके जाते हैं, इससे बेहतर है बंदा जो ना अकेला रह ले, दैट्स फार बेटर। हेयर इज एक्सरे शोइंग ए हेयर गन विक्टिम हु वाज शॉट 34 टाइम्स। ये इंग्लैंड में हुआ था और न्यूज पेपर जो उनका सन न्यूज पेपर उसमें आता 2009 में 25 अप्रैल को ये वाक्य हुआ। दिस इज एक्चुअल एक्सरे, दिस मैन वॉज शॉट इन द हेड 34 टाइम्स विद अ नेल गन। नेल गन समझते हैं ना, तीन साढ़े तीन इंच का नेल होता है, तो इट वाज क्यूट था उसका, उसकी जो बंदा था जो कि मर्डर हुआ उसकी अपनी वर्कशॉप थी। द मर्डरर केम एंड ही पिक्ड अप हिज ओन नेल गन, उसी की नेल गन उठाई, उसी के सर पे फायर कर दिया, इवन जॉब होन के अंदर भी सारा 34 टाइम्स। वेरी पेनफुल एक्सपीरियंस, वेरी पेनफुल वेरी टाइम, और वी कैन इवन इमेजिन दिस। द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही सेड दैट इट इज बेटर फॉर यू टू बी पियर्स्ड इन द हेड विद एन आयरन नेल देन टू टच अ वुमन हु इज नॉट मैरिड टू यू। बेहतर होगा ये आपके लिए, ज्यादा आसान होगा अगर आपके सर में लोहे का कील ठोक दिया जाए बजाय इसके कि आप किसी ऐसे शख्स को हाथ लगाएं जो आपका नाम मैडम। सो दिस इज टू डू विद प्रोटेक्टिंग योर बॉडी, बिकॉज दिस इज अनदर वे दैट पीपल फॉल इन लव। द फर्स्ट टच, द फर्स्ट हाई फाइव, द फर्स्ट हैंडशेक, द फर्स्ट हग, द फर्स्ट व्हाटएवर,
And this is how it begins. This is how it starts. ये जो pre-mixing और ये चीजें ना, इससे बड़े मकसद पैदा होते हैं. And believe me, इसमें आपके कजन भी शामिल है. Although our parents might say, नहीं नहीं बड़े भाई है, कजन है, कोई फर्क नहीं पड़ता. नहीं, छोटी बहन है, कुछ भी नहीं होता. I've seen lives being ruined because of this reason. Because सिर्फ उन्होंने ये कहा कि नहीं नहीं कजन है, कुछ भी नहीं होता, कुछ भी नहीं होता. And they end up, the girl ended up being pregnant without marriage at the age of 14. इमेजिन करें अब फैमिली को वो क्या क्या कहेंगे और क्या बताएंगे कि क्या मामला हुआ और क्या हुआ. इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट. वी थिंक कि हम लोग कोई अपने तरफ से बड़े मॉडर्न बन रहे हैं, हम बड़े सोफिस्टिकेशन की तरफ जा रहे हैं, बट इज नॉट द पास. हमारे अगर 34 वाले विक्टिम का आपने हाल देख लिया, एक भी बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल बात है. हमारे पे पहले कितनी बनती है. We all make mistakes, and I put myself before anyone else. We all make mistakes. We're all sinners, and the Prophet said, "The best of you are those who repent." So, insan, jitne bhi guna kar le na, agar Allah ki taraf turn kar jaye, toba kar le, after whatever he has done, Allah can forgive him. Allah farmate hain, "La taqnatu min rahmatillah." Inna Allah yaghfiru dhunuba jamia. Do not despair of the mercy of Allah. Do not despair of the mercy, because indeed Allah can forgive all sins. All sins? All sins? Yes, all sins. Even though I've done this. Even though I've done that, even though this and that, yes. Allah Ta'ala farmate hain, Inna Allah yaghfiru dhunuba jamia. Allah can forgive all sins if you are willing to repent. Aapko pata hai, when I was in the UK, and main wahan se bahar aaya aur mujhe first time ehsaas hua ki I need to sort myself out because life can't go on like this. I went to a brother, he was mashallah practicing, and I said, mujhe bataya, I need to sort my life out. I need to sort my life out. I can't continue like this anymore. I have had enough of this. I can't continue like this anymore. So he said, "Yar, aapko main advice karta hu, masjid jaye, namaz padhe." And so pehle main namaz nahi padta tha, roze nahi rakhta tha, jumme ki namaz nahi padta tha. ईद पर भी मैं अबू को गोलियां चलाता था कि नहीं लेट हो जाऊंगा, ये हो जाएगा, वो जाएगा. बिकॉज आई फेल्ट हिपोक्रिटिकल. आई फेल्ट हिपोक्रिटिकल कि मैं वैसे नहीं पढ़ता, ईद पर क्या करने जा रहा. सो आई टोल्ड हिम कि मैं क्या करूँ उनसे कि आप नमाज पढ़ने लगे. तो मैंने कहा उनको पता क्या काम है. मैंने कहा कि मैं अगर मस्जिद चला गया तो मेरे मस्जिद जाने से मस्जिद पलीत हो जाएगी. मैं फिर नहीं जाता. मेरे जाने से मस्जिद नापाक हो जाएगी. मुझे कम अज कम इतना मेरे अंदर थोड़ा सा ईमान का एक जर्रा शायद मौजूद है कि मैं मस्जिद की बेहरमती होते हुए नहीं देख सकता. If I enter the masjid, if a person like me enters the masjid, it will pollute the masjid. It's like taking something filthy inside the masjid, and that will obviously not be acceptable. And he said, "Don't say that. Don't say that. Because if Allah Taala har guna ko maaf kar sakta hai, then aapko kyun aisi baatein kar rahe hain? Aap jaye, Allah Taala bahut maaf karne wala." And then he told me about the hadith of the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam. Yes, there was a man who was an old man, and he came to the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam, and he said, उसके बारे में आप क्या कहेंगे उस सबके बारे में जिसने अपनी बात सुनी थी, उसका जुमला बड़ा इंपॉर्टेंट है. मैंने कहा उसके बारे में क्या कहेंगे जिसने हर गुनाह किया हो, छोटा हो या बड़ा, उसने कोई गुनाह नहीं छोड़ा. लुक एट द एक्सप्लिसिटनेस ऑफ द सेंटेंस. कहते हर गुनाह उसके बारे में क्या कहेंगे जिसने हर गुनाह किया. एज इफ दिस वाज़न्ट एनफ, ही सेड छोटा हो या बड़ा हो. और थर्ड एम्फेसिस था कि कोई गुनाह नहीं छोड़ा उसने. अब आप अपने दिमाग की घोड़े दराज में कहां जा सकते हैं कि कोई गुनाह नहीं छोड़ा, छोटा हो या बड़ा हो. ही हैज डन एवरी सिन यू कैन इमेजिन. व्हाट डू यू से अबाउट हिम? द प्रोफेट सेड, क्या तुम इस्लाम लिया? उन्होंने कहा मैं लिया. अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुह. उन्होंने कहा आज के बाद से मुझे वादा करो कि गुनाह नहीं करोगे और आज से नेक काम करोगे. ना सिर्फ अल्लाह तुम्हें माफ कर देगा बल्कि अल्लाह तुम्हारे गुनाहों को नेकियों में भी बदल देगा. इतना ज्यादा मेहरबान अल्लाह ताला है. ना सिर्फ तुम्हें माफ करेगा बल्कि तुम्हारे गुनाहों को भी नेकियों में बदल देगा. एवरी टाइम यू हैड एन अफेयर विद अ गर्ल, एवरी टाइम यू अब्यूज समवन, एवरी टाइम यू हरास समवन, दीज विल बी टर्न्ड इनटू गुड डीड्स जस्ट बिकॉज ऑफ योर रिपेंटेंस. द मैन सेड फर्दर कि मेरे सारी जुर्म हो जाती है. ही वाज नॉट कन्विंस्ड बाय द आंसर. मेरी सब जुर्म हो जाती है, जो कुछ मैंने किया सब नेकियों में बदल जाएगा. द प्रोफेट सेड यस. ही केम ऑन अ स्टिक. सावर करते हैं उसको भी बैठा ना लड़खड़ाता हुआ आया. They say when he left, he picked up the stick in his hand. And he said, Allahu Akbar, Allahu Akbar. And he disappeared into the sunset. Allahu Akbar karta hua ghaib ho gaya. This is how merciful Allah SWT is. Main bhi ek point pe ye samajhta tha ki shayad meri maafi nahi ho sakti. Main to agar aaj utha liya gaya to shayad jannat ki aag ke alawa koi thikana nahi banta main. Because har bande ko apna pata hota hai maine kya kiya hua hai, maine kya hatke ki hui. Har bande ko apna pata hota hai. I knew ke, you know, I don't have any way out. Until the brother told me, there is a way out. And I'm right now, it's been almost about 7 years,
I am now touring Pakistan. I am going from Karachi to Kashmir. I am going to colleges and universities. I go to Langsar, aaj aaya hu, pehle bhi aa chuka hu, IBA, kai dafa ja chuka hu, GIK, NUS, FAS, badi universities, choti universities, you name them. I go up and down the country telling my dear brothers and sisters, just like you, ke do not give up on Allah SWT. Do not lose hope. Because no matter what you have done, main aapke samne khada hu, main koi mulla madrasa se nahi nikalta. Main bata raha hu, if I can change myself, what about you guys? Aap mere se crore guna better log hain. Honestly, you are many times better off than me. हजार करोड़ लाख गुना मुझसे बेहतर लोग हैं. मैं जिस जगह से आ रहा हूँ नो बात है, यू डोंट नो बात है. इफ आई कैन चेंज फॉर यू शुड इट शुड बी अ वॉक इन द पार्क. एंड टेलिंग यू हैव नो रिग्रेट्स. जब से मैं इस तरफ आया अल्हम्दुलिल्लाह आई एंजॉय माय लाइफ. ये नहीं होगा मेरी लाइफ डब्बे में बंद होकर तबाह हो गई है. अल्हम्दुलिल्लाह आई एंजॉय माय लाइफ एंड एट द सेम टाइम आई एम ट्राइंग टू वर्क ऑन माय आखिरत. जितने लोगों को मैंने खराब किया मैं अब उसको अनडू करना चाह रहा हूँ बाय टॉकिंग टू अदर पीपल एंड सेइंग समथिंग गुड टू देम. कि होपफुली दैट विल अफेक्ट देम. So inshallah, that's what it is. It's just advice that I'm giving out. The Prophet also, he mentioned that the innate character of Islam is haya. He said, "Inna likulli deenin khuluq wa khuluqul Islam al-haya." That every religion has an innate character and personality, and the character of Islam is haya. It's modesty. Yani, aur ek aur jagah farmaya, agar haya nahi to phir imaan bhi nahi. Agar haya chala jaye, imaan, they both are like together. There's something that goes in parallel. When one goes, the other goes. Haya gayi to imaan bhi gaya, aur imaan gaya to haya bhi gayi. Dono cheeze vice versa hoti hain. ऐसा इस्लाम के बारे में अगर आप कुछ कहें ना कि इस्लाम वाले लोग कैसे होते हैं तो उनके बिल्कुल एक चीज होती है वो हया होनी चाहिए. एक मुसलमान के जो सिंबल है ना वो ये है उसकी जो ना मतलब आप शर्म हया. एंड दिस इज वाई वी हैव टू बी वेरी केयरफुल. इंशाल्लाह मैं जिस तरह कंक्लूजन की तरफ जा रहा हूँ तो मैं आपको एक फॉर्मूला बताना चाहता हूँ. क्योंकि ये माइंड करते इंप्रेशन कि अच्छा हम क्या करें, लम्स में फंस गए, हम को एजुकेशन में, अब किस मुसीबत में फंस गए, अब हम क्या करें. सो आई एम टेलिंग यू हाउ कैन यू इंटरेक्ट विद द ऑपोजिट जेंडर. ऑपोजिट जेंडर के साथ कहाँ तक इंटरेक्शन की जा सकती है उसके लिए पीपीएल फॉर्मूला. पीपीएल, what is PPL? Number one, the interaction that you have with the opposite gender. हो सकता है number one, it has to be purposeful. किसी काम के तहत बातों यानी फजूल की बातें और गप्पे लेने चाहिए. Like for example, अगर खातून बाजार जाती है और टॉपिक पर से बात करती है तो this is permissible, no problem. आप मेरा कितने का हो गया ये आलू टमाटर डबल रोटी अंडे कितने हो गए, ठीक है बता दिए, नो प्रॉब्लम, that's okay. कॉलेज में आप है, असाइनमेंट पर बात हो रही है, प्रोजेक्ट पर बात हो रही है, किसी इवेंट पर बात हो रही है, नो प्रॉब्लम, that's okay. But the moment से अच्छा और सुनाए. अच्छा मौसम का हाल कैसा है? मौसम का हाल सुनने आप जियो न्यूज देखें, आप वेदर ऐप इंस्टॉल कर लें, जितने बादल आपके सर पर जो ना बरस रहे उतने मेरे भी जो ना बरस रहे. सो फालतू बात नहीं करनी, टू द पॉइंट. अगर किसी चीज को डिस्कस करने के लिए दिस इज परमिसिबल, नो इश्यू विद दैट. नंबर टू, इवन दो इट इज पर्पसफुल, इट हैज टू बी पब्लिक, इट कैन नॉट बी अ प्राइवेट कॉन्वर्सेशन. यानी आप सबने फरमाया कि जब दो लोग नॉन महरम एक साथ होते हैं तो उनमें तीसरा भी होता है. हु इज दैट? शैतान. आपको ऑलरेडी पता है मैं यहाँ क्या करने आया. जब दो लोग नॉन महरम एक साथ होते हैं तीसरा भी कोई शैतान होता है तो वो किसी के कान भरता है, किसी के कान भरता है, दोनों के कान खा रहा होता है. सो यू माइट से नो 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 शी इज जस्ट माय फ्रेंड. नो नो इट्स प्लूटोनिक, इट्स कंप्लीटली प्लूटोनिक, इट्स जस्ट लाइक अ ब्रदर टू मी. बट दैट्स नॉट व्हाट शैतान थिंक्स. यू थिंक नो 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 आई विल मेक यू फॉल इन लव और एटलीस्ट वन पर्सन फॉल इन लव और मेक एन अप्रोच और डू समथिंग. एक एग्जांपल देता हूँ. हमारे एक मैम हो लेवल तो हमसे दो साल सीनियर एक ब्रदर होते थे. ही वाज अबाउट टू लाइक मैं नाइन्थ में था तो वो इलेवंथ में थे. ही वाज जस्ट अबाउट टू गिव हिज एग्जाम कैंब्रिज के. तो वो ट्यूशन्स पढ़ते थे मैथ्स की एक बाजी से जो कि उस टाइम पे फोर्थ ईयर में थे, फोर्थ ईयर ऑफ कॉलेज. एंड उस जमाने में अब फ्रेंड है कि नहीं है, बोलता कि मुंह बोला भाई और मुंह बोली बहन, कि वो मेरी बहन है वो मेरा भाई है. नहीं छोटू भाई है, क्या फर्क पड़ता है. एनीवे वो बहन भाई आपस में वो पढ़ाई का सिलसिला चलता रहा. लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, a few years later they actually got married. तो हमने पूछा कि वो बाजी कैसी है. got very upset. Come on, this is true. आप ही कहते बाजी 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 आप तो शादी कर रहे हो उनके साथ, ये क्या हो गया. तो बात यह कि even though you might think it's totally platonic, there's nothing happening. No, 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 he doesn't think, he does think that way. No, 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 she is not like this. She's just like a sister to me. No, she does think otherwise. इसके ऊपर एक वो YouTube पर भी वीडियो किसी ने बनाया हुआ ऑस्ट्रेलिया में, I think. तो मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ क्या इस पॉइंट. और वो कहते हैं कि लड़कियों से कहते हैं कि नहीं आपको सॉरी. जिस लड़के से पूछा कहते हैं नो इट्स नॉट पॉसिबल. जिस लड़के से पूछना कैन गर्ल्स गाइस कहते हैं आर यू किडिंग मी. दे लाफिंग एट द फेस ऑफ द कैमरामैन. वो हंस रहे हैं क्या मजाक कर रहे हैं आप. कि इफ यू हैड अ चांस टू डेट वुड यू? एब्सोल्युटली यस. वो एकदम से यस कर देते हैं. And so you look at it, this is how it is. Allah SWT knows what he has created. So you do it the right way or you don't do it. So agar aapne meeting karni bhi hai as a purposeful meeting, then don't do it privately ki aap kamre mein privately aayega aapse baat karunga. Do it in public. Like abhi jo interaction ho raha hai it's public.
We talk to everybody right now, no problem. By hallway mein hai, everybody can listen, it's okay. Lekin by garden mein akele darakht ke niche, questionable. Big question mark. Because people should be able to hear you and see you, not just see you. You visual and audible, don't hona chahiye. So akele darakht ke niche baithna, ye cheez theek nahi hai. Jo bhi baat hai, aap jo na public platform pe hai. And the last thing is, it has to be limited. Yani, अगर पहली मीटिंग से मसला हल हो गया तो फिर दूसरी करने की जरूरत नहीं. इफ यू डन इट, सुबह के टाइम मीटिंग हुई, मसला क्लियर हो गया, इवेंट मैनेज करना था, यू प्लान एवरीथिंग, अब ये कितने फिर शाम को दोबारा चाहिए, ये फिर शाम वाला फंक्शन नहीं है, सुबह वाला हो गया. तो दिस इज द फॉर्मूला पीपीएल. पी फॉर पर्पसफुल, पी फॉर पब्लिक एंड एल फॉर लिमिटेड. रिपीट आफ्टर मी, पी फॉर पर्पसफुल, पी फॉर पब्लिक एंड एल फॉर लिमिटेड. अल्हम्दुलिल्लाह. नाउ आई विल कंक्लूड इंशाल्लाह दिस सेशन विद टू short stories, and I'll take questions, don't worry about it.